रात के समय में मेला दिखाने के लिए आप लोगों को, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। और चलिए, मैं मिनी स्टेडियम में हूँ और मिनी स्टेडियम में काफ़ी अच्छा पंडाल बनाया गया है, आप लोग को मैं बताता रहूँगा कौन सा पंडाल किस जगह का है। तो ये देख सकते हैं, और मैं मिनी स्टेडियम में हूँ और मिनी स्टेडियम में यहाँ पर झूला लगा हुआ है, जो कि जिस समय मैं आप लोग को दिखाया था इसके पहले वीडियो, तो वहाँ पर एक भी झूला वगैरह कुछ नहीं लगा था। देख रहे हैं कितना स्टॉल दुकान झूला हुआ लगा हुआ है। चलिए मैं पंडाल को दिखाता हूँ आगे से, कैसा है इसका पंडाल, कौन सा पंडाल तैयार किया गया है। आप लोग को प्रेम मंदिर दिखाऊंगा जो कि अपने मथुरा में स्थित है। मथुरा का प्रेम मंदिर बनाया गया, काफी अच्छा लग रहा है, काफी हर साल इसमें अच्छा अच्छा पंडाल बनाया जाता है। अगले बार इसमें अयोध्या का राम मंदिर बनाया गया था, इस बार प्रेम मंदिर बनाया गया, काफी अच्छा लग रहा है। चलिए इसके अंदर दिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक शो चल रहा है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देख सकते हैं कितना अच्छा प्रेम मंदिर बनाया गया, एकदम अच्छा लग रहा है देखने में। अंदर प्रवेश करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं अंदर का कितना बम्पर भीड़ है। ये देखिए पूरा कायदे का भीड़ है। मैं बता दूं कि इसके अंदर जो नॉर्मल सा मूर्ति रखा गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शो नहीं है अपने मिनी स्टेडियम में, लेकिन अच्छा लग रहा, खूबसूरत बनाया गया है। और ये देखिए इसका झूमर कितना अच्छा है। चलेंगे वहाँ पर देखेंगे दुर्गा माँ का प्रतिमा, वहाँ पर भी अच्छा दिखता है। और यहाँ पर झूला लगा हुआ है, देख सकते हैं टेडी बियर्स भी है, झूला भी है, वहाँ पर भी है, ऊपर वाला भी है, देख सकते हैं। चलिए आ चुके हैं शिवपुर न्यू कॉलोनी के पास, यहाँ का भी दुर्गा पूजा पंडाल अच्छा लगता है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक शो देखने के लिए मिलता है, जो कि अगले साल हम लोग को देखने के लिए मिला था। देख सकते हैं काफी ज्यादा भक्तों का भीड़ लगा हुआ है, पूरा इस साइड में देखेंगे ट्रैफिक ट्रैफिक लगा हुआ है, देख रहे हैं। चलिए अंदर आप लोग को दर्शन कराते हैं देवी माता का, देख रहे हैं कुछ इस प्रकार सजाया गया है, और आप लोग वीडियो बने रहिए, देखते हैं कौन सा पंडित और कौन सा पंडाल बनाया गया है इस बार, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक शो देखने के लिए जरूर मिलेगा। माँ कामाख्या देवी मंदिर बनाया गया है, जो कि गुवाहाटी में पड़ता है, आसाम में, देख सकते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक शो चल रहा है, वो भी चलकर आप लोग को दिखाएंगे। चलिए अभी इलेक्ट्रॉनिक शो चालू होगा तो आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। समय के प्रवाह में एक ऐसी घटना घटी जिसने संपूर्ण सृष्टि को हिला दिया। एक दिन दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। महादेव, जो ये जानते थे कि निमंत्रण न भेजना केवल एक अपमान था, उन्होंने सती को रोका
परंतु सती अपने पिता के प्रति कर्तव्य से बंधी थी। यज्ञ में पहुंचने पर दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। इस अपमान ने सती के हृदय को चोट पहुंचाई और उन्होंने अपनी देह को अग्नि में समर्पित कर दिया। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो वे क्रोध और शोक से भर उठे। शिव का क्रोध और शोक ऐसा प्रचंड था कि संपूर्ण ब्रह्मांड डगमगाने लगा और संपूर्ण सृष्टि में असंतुलित छा गया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु का आवाहन करने लगे। नारायण, कहीं महादेव का तांडव प्रलयकारी ना हो जाए। हे प्रभु श्री हरि नारायण, महादेव को शांत कीजिए, रोकिए उन्हें। महादेव के शोक को समाप्त करने का एकमात्र उपाय यही है कि सती के शरीर को ब्रह्मांड से मुक्त कर दिया जाए। हे सुदर्शन, शक्ति तो शक्ति होती है, वो साकार भी होती है और निराकार भी होती है, पर तुम बड़ी सतर्कता के साथ भगवान शिव के बाहों से शक्ति के कई भाग कर देना, वो भी इस प्रकार की भगवान शिव को उसका आभास भी न हो। भगवान विष्णु ने सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से विभाजित कर 51 टुकड़े कर दिए जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे। जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। उन पवित्र स्थलों में से एक कामाख्या शक्ति पीठ था जहाँ सती का निचला अंग गिरा। यह स्थल शक्ति और भक्ति का अद्वितीय प्रतीक है। मैं देवी कामाक्षी अपने भक्त की मंगल कामना पूर्ण करने के लिए सदैव यहाँ पर स्थित रहूंगी। के तरफ ये देख सकते हैं प्रेम मंदिर था और हम लोग जा रहे हैं सिटी की तरफ जा रहे हैं और काफी अच्छा सजाया गया था। शिवपुर में देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा काफी ट्रैफिक लगा हुआ है, देख रहे हैं। और ट्रैफिक है अर्दली बाजार का सजावट है, ठीक है। तो चलिए अंदर दिखाते हैं आप लोगों को, इसका लाइट का डेकोरेशन कुछ अलग है, देख रहे हैं आगे। काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया है। अभी चलेंगे अंदर, आप लोग को दर्शन कराते हैं। चलिए आप लोग को अंदर दिखाते हैं देवी माता का प्रतिमा। और ये देखिए काफी अच्छा बनाया गया है, डिजाइनिंग काफी अच्छा है। और ये है माता रानी का दरबार। अंदर का भी कुछ काफी अच्छा बनाया गया।
और सबसे ऊंची प्रतिमा है माता का, देख सकते हैं ऊंचा है, और महादेव जी भी विराजमान है। हेलो, अरे हतुआ मैं कहा करीब 15-20 फीट ऊंचा होगा दुर्गा माँ की प्रतिमा, और ऊपर ये देखिए महादेव जी दिखाते हैं। बाहर निकास के बाद यहाँ पर महादेव जी दिख जाएंगे काफी, और हिमालय पर आप लोग को देखने के लिए मिलता है, उसी तरफ हिमालय पर आप लोग को महादेव जी विराजमान है, बनाया गया काफी अच्छा लग रहा है। महादेव, हर हर महादेव।